बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री में पिछले 30 घंटे से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। फैक्ट्री से लगातार धुआं उठ रहा है। फैक्ट्री के अंदर जाने की जगह नहीं मिल पाने के कारण अब तक आग लगी हुई है, जिसके कारण उद्योगपतियों में रोष बना हुआ है। शू क्लस्टर के प्रधान सुभाष जग्गा का कहना है कि फैक्ट्री के बेसमेंट में छोटी सी आग लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू नहीं पा सके, जिसके कारण फैक्ट्री के करोड़ों रुपए की मशीन तैयार और कच्चा माल जलकर राख हो गया है और वहीं फैक्ट्री के भवन को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं फायर ऑफिसर टीआर पालीवाल ने बताया कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कल से ही आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। सरकार से कई दफा कह चुके हैं कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है, लगभग 4000 की यहाँ पर इंडस्ट्री है यहाँ पर, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ियाँ की व्यवस्था ढंग से भी नहीं है। यहाँ पाँच एक गाड़ियाँ हैं, जिसमें तो 3 खंडम रहती हैं, टूटी फूटी रहती हैं, और जब भी कोई किसी फैक्ट्री में फायर होती है कंट्रोल हो ही नहीं पाता, पानी टाइम से पहुँच नहीं पाता,